वर्ल्ड कप में कप्तान रोहित बुजुर्ग, टीम भी बुजुर्ग। टीम इंडिया नहीं, ये है डैड्स आर्मी। 31 साल की है ये पूरी भारतीय टीम। T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम इंडिया तैयार है। 15 खिलाड़ी चुने जा चुके हैं। इस टीम में वैसे तो अनुभव के साथ युवा खिलाड़ी भी हैं, लेकिन पूरी टीम बड़ी बुजुर्ग दिखती है और कप्तान रोहित तो इस टीम के सबसे बुजुर्ग कप्तान है। कार्तिक सबसे उम्र दराज तो अर्शदीप सबसे युवा। दरअसल T20 क्रिकेट को युवा खिलाड़ियों का फॉर्मेट माना जाता था, लेकिन अब हालात बदले हैं और उम्र दराज खिलाड़ी भी इस फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से पहला वर्ल्ड कप खेलने वाले दिनेश कार्तिक की भी टीम इंडिया में वापसी हुई है, जो 2010 के बाद से अब 12 साल बाद टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप टीम में एंट्री मार गए हैं। कार्तिक 37 साल के हैं और टीम के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं 27 साल के युवा अर्शदीप सिंह इस टीम के सबसे यंग खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा है सबसे बुजुर्ग कप्तान। इस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की उम्र 35 साल 169 दिन होगी। वो इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी होंगे। उनसे पहले ये रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम था। महेंद्र सिंह धोनी ने 2016 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। उस समय धोनी की उम्र 34 साल 267 दिन थी, यानी कि रोहित अब टीम इंडिया के सबसे उम्र दराज कप्तान बन जाएंगे, जो T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे। इस बार उतरेगी भारत की बुजुर्ग टीम। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने अब तक की चौथी सबसे बुजुर्ग टीम उतारी है। भारत की सबसे उम्र दराज टीम 2016 में थी, जब टीम इंडिया की औसत उम्र 34 साल की थी। इसके अलावा 2014 और 2021 में भी टीम इंडिया की औसत उम्र 32 साल थी पिछले T20 वर्ल्ड कप की तुलना में। इस बार भारतीय टीम कुछ युवा नजर आती है। 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की औसत उम्र 32 साल 306 दिन थी, जबकि इस बार टूर्नामेंट में भारत की औसत उम्र 31 साल 10 दिन की होगी। 2010 वर्ल्ड कप में उतरी थी भारत की सबसे युवा टीम। भारत ने 2010 T20 वर्ल्ड कप में अपनी सबसे युवा टीम उतारी थी। धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम की औसत उम्र सिर्फ 21 साल 150 दिन थी। हालांकि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम लगातार 3 मैच हार कर सुपर 8 के राउंड से बाहर हो गई थी और भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था, लेकिन इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी और 2007 के बाद से जो अभी तक वर्ल्ड कप का जीतने का सूखा चल रहा है उसे खत्म करना चाहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, इस टीम इंडिया में इतनी मजबूती है जो इस बार वर्ल्ड कप जीत ले? क्या टीम इंडिया इतनी दमदार नजर आती है जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो अगर आप हमारे न्यूज सूत्रा पेज पर देख रहे हैं तो हमारे न्यूज सूत्रा पेज को भी सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए।